हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। रविंदर, कब होगी क्लास? होगी भाई, शुरू क्लास एक बार शेयर करके आ जाओ। लगता है आज क्लास नहीं होगी। हो गई, शुरू हो गई है क्लास भाई। रविंदर, तीरथ, राम राम भाई, अजीत यादव, नोटिफिकेशन भी दे दिया करो। नोटिफिकेशन देते तो हैं भाई। क्लास होगी, आ रहे हैं सर। चाय चाय पी लो, कहीं मत जाना। अरे क्लास शुरू हो चुकी है भाई। गुड आफ्टरनून नीतू शर्मा, गौरव दलाल, राम राम जी। तो थोड़ी सी जानकारी है, एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दो। तब तक मैं आपको जानकारी जो है जानकारी दे देता हूँ। जनरल बैच हमारा शुरू हो रहा है ऑफलाइन में। ऑफलाइन अपकमिंग बैच जो है जनरल बैच, जिसे कॉमन बैच आप लोग कहते हो, कॉमन बैच जिसे आप कॉमन बैच कहते हो, जनरल बैच शुरू हो रहा है 8 तारीख से। कितने तारीख से? 8 मार्च से, SSC HSSC के लिए। ठीक है ना, कॉमन बैच की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी क्लास है 9 से लेकर 2 बजे तक रहती है। जो पर्टिकुलर बैच है, जो HSSC और SSC का स्पेशल बैच है, वो 18 मार्च से शुरू हो रहा है, 18 मार्च से, जिसकी क्लास है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक रहती है। 9 से 3, यानी कि इससे लेकर इसमें 1 घंटे का फर्क है लगभग, अप्रोक्सीमेट। और फिर आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी है, ध्यान से सुन लेना सभी। जो ऑफलाइन में एडमिशन लेता है, ऑफलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेता है, उसके लिए ऑनलाइन जो ऐप आएगी, उसके अंदर जो भी कोर्स होगा वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उन सभी के लिए। जो ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए ऑनलाइन जो ऐप आ रही है, उसमें जो भी कोर्स होगा, पेड कोर्स, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यानी कि अगर आप घर पे दो व्यक्ति हैं कोचिंग लेने वाले, लेकिन एक जा सकता है, एक नहीं जा सकता, तो दोनों को बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि एक जाके कोचिंग ले लेगा और एक जो है उसको ऐप फ्री में पेड पेड बैच मिल जाएंगे, वो मिल जाएगी। सभी चीज़ों की होगी, सभी सब्जेक्ट की होगी, सभी कोर्सेज की होगी कोचिंग भाई। सर मुझे एक बात बताना, HCS के फॉर्म ऑल इंडिया वाले फिल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल भाई, सभी फिल कर सकते हैं। नीलम गौतम, सभी फिल कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट आप ध्यान रखना, बेनिफिट क्या है ऐप का? बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है ऑफलाइन में कोचिंग लेने वालों के लिए, क्योंकि उनको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे। सर मैं और मेरी वाइफ साथ ले लेते हैं क्लास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैरिड के लिए भी सही है, बिल्कुल सही बात है, मैरिड के लिए और भी सही है, सिस्टर के लिए भी सही है। अगर कोई सिस्टर जो कोचिंग के लिए नहीं आ सकती, टाइम टेबल सूटेबल नहीं है, कोई बसेस का टाइम टेबल है जो वो सही नहीं है, तो उनके लिए भी सही है। आप आ जाओ, पेड जो कोर्स मिलेगा आपको ऑनलाइन, वो वहाँ पे घर पे प्रोवाइड करवा दो, ठीक है ना। देखो आगे चलते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी। ऐप आ रही है जो अपनी, जल्द ही वो सारी चीज़ें आपको फिर प्रोवाइड करवाई ही जाएंगी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आज हम पढ़ने वाले हैं। हरदीप मानी, गुड गुड आफ्टरनून। तो कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक आज अपने पास होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये आई थिंक आपको सभी को पता है। सर जी फर्स्ट 4 क्लास देखी हैं, मन्नत जबरदस्त हैं। प्रवीण जेलवाल जी, प्रवीण जी धन्यवाद बताने के लिए। सर सिस्टर को भेज दूँ? भेज दे, को कम भेजते हैं, उसको काम भी करना होता है। ओके, काम तो सभी को करना होता है भाई, काम तो सभी को करना होता ही है। दीपिका यादव नमस्ते भाई। देखो करते हैं शुरू। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर का नेटवर्क किस तरीके से, क्या हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर के नेटवर्क की, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर के नेटवर्क की, और कंप्यूटर के नेटवर्क से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है, वो क्वेश्चन भी हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, YouTube पे कंप्यूटर कंप्लीट ही करवाएंगे। सर इससे पहले क्लास नहीं देखी मैंने, इससे पहले वाली, रोहन इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी, कोई बात नहीं, आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, आज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है, ठीक है ना। जो आज पहली बार जुड़े उनको बता दें कि 22 क्लास अपनी हो चुकी है, 23वीं क्लास है ये, 23वीं क्लास है ये, 22 क्लास अपनी हो चुकी है बेसिक की, जो HSSC के अकॉर्डिंग है, वो ऑलमोस्ट हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ भाई चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेट्स बिगिन। देखो भाई, तो नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर नेटवर्क के बारे में बात करूँ कि नेटवर्क आपका होता क्या है, नेटवर्क आपका होता क्या है, जैसे जनरल पर्पज़ हम भी कह देते हैं कि आदमी का एक कोई भी नेटवर्क है, किस तरीके से नेटवर्क है,
कि एक से एक जोड़ना, कई बार ये स्कीम वाले भी देखे होंगे आपने, आ जाते हैं कि एक से तीन बंदे जोड़ दो जी, तीन आगे तीन तीन को जोड़ देंगे जी। तो कनेक्ट करना, पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है ना? क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है, ठीक है ना? देखो, नेटवर्क जो है आपका कितने प्रकार से हो सकता है, कितने प्रकार का हो सकता है, देखो एक बार। जो मैं कहता हूं वो जनरली आम तौर की बात कर रहा हूं मैं जी। गुड इवनिंग। देखो, सामाजिक नेटवर्क हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क हो सकता है, सोशल नेटवर्क हो सकता है, और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। यानी कि सामाजिक नेटवर्क यानी कि पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी, व्यक्ति से व्यक्ति कनेक्टिविटी, पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी, मोबाइल टू मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क हो जाता है, और कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्टिविटी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क हो जाता है। तो जो एक बार क्लास देख रहे हैं, लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो भाई, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर नेटवर्क को आपका होता क्या है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक, या तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग उपकरण, ध्यान रखना इस पॉइंट को, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझना, या तो कंप्यूटर हो सकता है या कंप्यूटिंग कोई भी उपकरण हो सकता है, कोई भी डिवाइस, उसको भी हम क्या कहेंगे, नेटवर्क में मापेंगे, के बीच एक अंतर संबंध यानी कि इंटरकनेक्शन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइस इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि इंटरकनेक्शन जो है कंप्यूटर का आपस में, या कंप्यूटिंग डिवाइस का, क्या कहलाता है आपका, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। सर, एक बाइट में कितनी वैल्यू क्रिएट की जा सकती है? संदीप सिंह जी, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ, पहले एक बार पिछली क्लासें देख के आइए। अगर नहीं करवा रखो फिर आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? कंप्यूटर डिवाइसेज सेम चीज। अभी बात करेंगे कंपेयर डिवाइसेज की, तीर्थ शर्मा अभी बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलो, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है ना? और जो ये पिछले वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार पीछे सारी क्लासें देख लें, अगर ना समझ में आए तो YouTube की किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना। हम उन अध्यापकों में से नहीं है कि कमेंट आपके पढ़ते नहीं हैं, जितने भी यहाँ लाइव देख रहे हैं सभी को आप पूछ सकते हो, एक एक का कमेंट पढ़ा जाता है, एक एक का कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। तो आप किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर देना, वहीं से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर ये चीज़ ना करवा रखी हो तो, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो भाई, ये कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कि डिवाइसेस भी आ जाती हैं। डिवाइसेस कौन सी? प्रिंटर भी इसके अंदर आ गया, स्विच इसके अंदर आ गई, वायरलेस राउटर इसके अंदर आ गया, मॉडम इसके अंदर आ जाता है, सर्वर कोई भी पीसी इसके अंदर आ जाता है, लैपटॉप कोई भी कंप्यूटर क्लाइंट जिसको हम कह देते हैं, वायरलेस डिवाइस मोबाइल हो सकता है, वायरलेस मोबाइल हो सकता है, वायरलेस आपका लैपटॉप हो सकता है, ये इतनी सारी जो डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। किस में आ जाती है? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आ जाती है। किस में आ जाती है? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आ जाती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि लैपटॉप से मैंने प्रिंटर को जोड़ना है, तो ये क्या ये नेटवर्क है? बताओ आप कमेंट करके, क्या ये नेटवर्क है? लैपटॉप से मैंने प्रिंटर को जोड़ना है, क्या ये नेटवर्क है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, कनेक्टिविटी जो है वो नेटवर्क है, चाहे वो कंप्यूटिंग डिवाइस हो, चाहे वो आपका कोई भी कंप्यूटर हो या कंप्यूटर डिवाइस कोई भी हो जी, ठीक है ना? क्या है? नेटवर्क है। नेक्स्ट देखो, सच इंटरकनेक्शन, ऐसा इंटरकनेक्शन अलाउस कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को अलाउ करता है किस चीज के लिए? टू शेयर डेटा, डेटा शेयर करने के लिए, एंड रिसोर्सिस, कोई भी रिसोर्स शेयर करने के लिए, अमंग ईच अदर, एक दूसरे के बीच में। यानी कि ऐसा नेटवर्क जो एक दूसरे के बीच में जो है क्या करता है, रिसोर्स शेयर करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए अलाउ करता है, ऐसा कनेक्शन क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नेटवर्क कहलाता है। ए बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट अ फ्यू कंप्यूटर, बेसिक सा नेटवर्क जो हो सकता है एक एक से दो कंप्यूटर जुड़े हों, बस इसको कह देते हैं कि ये नेटवर्क है, एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, बेसिक सा नेटवर्क कह सकते हैं। दीपक सिंह धन्यवाद भाई।
तो इसको क्या कहेंगे, बेसिक सा नेटवर्क कहेंगे इसको। और नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी नेटवर्क की, डेटा शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए जरूरत पड़ी। जी गुड इवनिंग भाई, क्यों जरूरत पड़ी, डेटा शेयर करने के लिए और अपना रिसोर्स शेयर करने के लिए। रिसोर्स शेयर करने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता हूं मैं, रिसोर्स शेयर करने का मतलब क्या है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताएं एक बार, रिसोर्स शेयर करने का क्या मतलब है, डेटा शेयर करने का क्या मतलब है, नेटवर्क में रिसोर्स शेयर करने का मतलब क्या है, बताएं, कमेंट करके बताएं। एग्जाम्पल से क्लियर होंगी चीजें, देखो जब तक एग्जाम्पल नहीं होगा आपके पास चीजें क्लियर नहीं होंगी। जी झज्जर वालों की भी राम राम भाई, महेश यादव, डेटा शेयर, कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कोई भी डेटा शेयर करेंगे, क्यों तो शेयर करेंगे और कैसे शेयर करेंगे, जैसे सीपीयू को कनेक्ट करता नहीं, मतलब क्यों शेयर करेंगे। हाँ इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर कर देंगे हम, लेकिन क्यों, रिसोर्स की भी जरूरत पड़ी अपने को, रिसोर्स की क्यों जरूरत पड़ी। रेवाड़ी की धरती से राम राम जी, अंकुश यादव भाई, रेवाड़ी की से राम राम। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। जी देखो सुपोज करो मेरे पास दो है, एक कंप्यूटर है लैब के अंदर, दूसरा कंप्यूटर है लैब के अंदर, तीसरा कंप्यूटर है लैब के अंदर, चौथा कंप्यूटर है लैब के अंदर, और ये चारों कंप्यूटरों के अंदर जो है अलग अलग फाइल बनी हुई है, अलग अलग फाइल बनी हुई है चारों कंप्यूटरों के अंदर। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं इसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट निकालने के लिए, प्रिंट आउट निकालने के लिए एक प्रिंटर यहां रख दूं, इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक प्रिंटर यहां रख दूं, इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक प्रिंटर यहां रख दूं, इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक प्रिंटर यहां रख दूं, तो चार प्रिंटर का खर्चा बढ़ गया, चार प्रिंटर का खर्चा आ गया चार प्रिंटर का। लेकिन मैं कहता हूं कि आप ऐसा काम कर लो, प्रिंटर तो ले आओ एक, प्रिंटर कितने ले आओ, एक प्रिंटर ले आओ, इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ दो, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है पहले वाले कंप्यूटर में आ जाएगी जिससे प्रिंटर जुड़ा है, या प्रिंटर शेयर हो जाएगा इसमें भी आ जाएगा प्रिंटर, यहीं से प्रिंट निकल जाएगा, तो कॉस्ट बची कि नहीं बची, सर कमेंट ऊपर करना एक बार, तो कॉस्ट बची कि नहीं बची, इसीलिए तो यूज किया जाता है। हाँ रिड्यूस टाइम एंड मनी, टाइम भी बचाता है, मनी भी बचाता है, रिसोर्स भी बचाता है, ये सारी चीजें जो है बचती हैं इससे भाई, नोट्स बनाने बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लेके आप अच्छे तरीके से समझा करो। हाँ बिल्कुल सही कहा, एक प्रिंटर सभी से कनेक्ट हम कर सकते हैं। नमस्कार भाई विक्रम, देखो नेक्स्ट, तो रिसोर्स मेन है, रिसोर्स और डेटा को शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। आप भी, आपके मोबाइल में एक मूवी पड़ी है, दूसरे के मोबाइल में डालने के लिए आप शेयर इट करते हो, कनेक्शन बनाया, और अगर कनेक्शन ना बनाते तो क्या होता, फिर उसको कहते कि ये डाउनलोड कर ले भाई तू भी, यानी कि आपका तो उधर से डाटा लगा ही लगा, उसका भी डाटा लगेगा, दोनों का डाटा खर्च हुआ, यानी कि वो भी डाटा खर्च करेगा और आप भी डाटा खर्च करोगे, इससे अच्छा तो ये हुआ कि आपने डाउनलोड कर ली, शेयर इट करके दूसरे को दे दो, वो भी देख लेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ऐप कब आएगी जी, ऐप आ चुकी है भैया, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं डली है, ऐप के बारे में जानकारी दे दूं, गूगल प्ले स्टोर पर ऐप नहीं डली है, ऐप आ चुकी है, डेमो क्लासेस रेडी हो रही हैं, उसके अंदर डेमो क्लासेस डाली जा रही हैं, जैसे ही डेमो क्लासेस सभी क्लासों सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाएंगी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। फिर मूवी नहीं देखते जी, अगर शेयर इट ना होती, मूवी देख लेते लेकिन डाउनलोड करनी पड़ती, विक्रम देख तो लेते लेकिन डाउनलोड डेटा खर्च होता ना। हाँ बिल्कुल सही है, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, देखो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, एक तो नेटवर्क था, सोशल नेटवर्क भी हो सकता है, मोबाइल नेटवर्क भी हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स, नेटवर्क इंक्लूड नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस इसके अंदर हो सकती है, नेटवर्क के अंदर जरूरी नहीं है कंप्यूटर ही होगा, जरूरी नहीं है कंप्यूटर ही होगा, नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है। रीत सिंह नमस्ते भाई, देखो क्या हो सकती है नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच हो सकती है, राउटर हो सकता है, रूटर जिसको बोलते हैं, मॉडम हो सकता है, ये डिवाइसेस भी नेटवर्क का काम करती हैं, जो मैसेज को आगे भेजने में सहायक हैं, जो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने में सहायक हैं, वो सभी क्या है नेटवर्किंग डिवाइस है, क्या है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है।
और उनको भी उनसे भी क्या है नेटवर्किंग बोला जाता है कि अगर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, ये भी क्या होंगी, नेटवर्किंग का पार्ट होंगी, नेटवर्किंग का पार्ट होंगी। जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं फिर से बता देता हूँ कि ये 23वीं क्लास चल रही है, बहुत सारा बेसिक हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने बेसिक पढ़ना है तो पिछली क्लास से उठा कर देख लेना, जो भी चीज़ ना समझ में आए यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। देखो नेक्स्ट में, फॉर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए यानी कि बातचीत करने के लिए, यानी कि एक कंप्यूटर की बात दूसरे कंप्यूटर से करवाने के लिए, एक मोबाइल की बात दूसरे मोबाइल से करवाने के लिए, डेटा इन ए नेटवर्क इज डिवाइडेड, डेटा जो है नेटवर्क के अंदर वो डिवाइड किया जाता है, किस में डिवाइड किया जाता है, पैकेट में। ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टार लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टार लगा लेना कि डेटा को इंटरनेट पे किस चीज में डिवाइड किया जाता है आगे फॉरवर्ड करने के लिए, पैकेट में डिवाइड किया जाता है, किस में डिवाइड किया जाता है, पैकेट में डिवाइड किया जाता है। डेटा इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर चंक, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है पैकेट। क्या कहा जाता है, पैकेट कहा जाता है। जी नमस्ते भाई चेतन, दीज पैकेट्स आर देन कैरिड ओवर ए नेटवर्क, ये पैकेट जो है एक नेटवर्क पे चढ़ाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, क्या चीज, ये पैकेट, पैकेट से ट्रांसफर होता है डेटा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ईच डिवाइस, डिवाइस की बात कर रहा हूं मैं, पैकेट में कैसे गुरुजी, पैकेट में बताता हूँ मैं। सपोज करो आपका डेटा जो है, आपके डेटा के अंदर, आपके अंदर हेलो लिखा है, हेलो, HELLO, हेलो। अब ये हेलो एक ही सिस्टम से नहीं जाएगा, एक ही तार से नहीं जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, राम राम भाई, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, H अलग, L अलग, L अलग, E अलग, O अलग, और ये जो नेटवर्क है कंप्यूटर का, ये जो नेटवर्क है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक, हो सकता है ये डायरेक्ट भी जुड़ा हो सकता है इसके थ्रू भी जुड़ा हो, तो ये किसी भी माध्यम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, एडवांस में ही पढ़ाऊंगा मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना, एडवांस में ही पढ़ाऊंगा, अभी तो ये बेसिक है इसलिए थोड़ा सा आज जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि बेसिक भी थोड़ा सा टेढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क का, थोड़ा सा बेसिक भी टेढ़ा है। देखो समझने वाली चीजें हैं, देखो आ जाओ, देखो ईच डिवाइस, हर डिवाइस विच इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्क का पार्ट होती हैं, एंड दैट कैन रिसीव, स्टोर, क्रिएट एंड सेंड डेटा, जो रिसीव कर सकती है, क्रिएट कर सकती है या फिर डेटा सेंड कर सकती है, वो क्या कहलाती है, टू डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क पे इज कॉल्ड नोड, वो क्या कहलाती है, नोड कहलाती है, स्टार लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रणाम भाई अरविंद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोड क्या होता है नेटवर्क पे, वो हर डिवाइस जो डेटा सेंड कर सके, जो डेटा रिसीव कर सके, जो डेटा स्टोर कर सके, वो डिवाइस क्या होती है आपकी, नोड कहलाती है। क्लियर है नोड सभी को, कि नोड आपका होता क्या है, वो हर डिवाइस नोड कहलाएगी जो या तो डेटा को स्टोर कर सकेगी, या डेटा को फॉरवर्ड कर सकेगी, या डेटा को रिसीव कर सकेगी, वो हर डिवाइस क्या कहलाएगी आपकी, नोड कहलाएगी। जी नमस्कार भाई सभी को नमस्कार। नोड अभी भी नहीं समझ में आया तीर्थ भाई कि नोड आपका होता क्या है। देखो एग्जाम्पल ऑफ नोड, नोड के एग्जाम्पल क्या है, मोडम, ये भी नोड है, हब नोड है, ब्रिज नोड है, स्विच नोड है, राउटर, प्रिंटर और एक कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीजें क्या है, नोड है। आई थिंक अभी क्लियर है तीरथ भाई, मैंने रिपीट किया था, अगर अभी भी क्लियर ना हुआ तो कमेंट करके बताएं, दोबारा से रिपीट कर देंगे, हिंदी में पढ़ लो। प्रत्येक उपकरण यानी कि वो हर डिवाइस जो एक नेटवर्क का हिस्सा है, जो नेटवर्क का हिस्सा है कोई भी हो सकता है वो, और जो विभिन्न नेटवर्क मार्गों पर डेटा प्राप्त करता है, संग्रहित करता है, स्टोर कर सकता है, भेजता है और बना सकता है, डेटा क्रिएट कर सकता है, वो सारी चीजें क्या है, नोड है, मतलब कनेक्टिंग पॉइंट है। जी हाँ, कहीं पे भी कनेक्टिंग पॉइंट है, ये भी कनेक्टिंग डिवाइस है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। इनके उदाहरण है, पूछा जाएगा ये एग्जाम्पल, ये जरूर नोट कर लेना सारी चीजें, मॉडम नोट करना है, हब नोट करनी है, ब्रिज, स्विच, राउटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, इन सभी के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये होती क्या है, क्या काम करती हैं। जी धन्यवाद भाई शहीद ओम प्रकाश मारवाल समैन, धन्यवाद।
तो यहां तक क्लियर आई थिंक। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क डिवाइस कौन सी होती है, उनको नोड कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है। सर मॉडम क्या है, मॉडम भी पढ़ेंगे भाई संजीव, इतनी जल्दी क्या अपने को, आराम आराम से सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्यों चिंता करते हो, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये नोड हैं जो भी मैंने अभी बताए, ये क्या है, सारे के सारे नोड हैं। अमरजीत नाइस, धन्यवाद भाई। देखो अब ये उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा रहा हूं मैं इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। क्या क्या चीजें हैं, ये क्वेश्चन आया था एचएसएससी में, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर, मैं आपकी सारी क्लासें देखता हूँ जी, धन्यवाद भाई, देखा करो, अच्छी बात है, नॉलेज होगी मेरे ख्याल से कुछ, अगर ना हो तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो सर क्लास अच्छी नहीं लगी, अगर ना लगे तो। मॉडम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे अजीत यादव, क्या जल्दी है। देखो पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, 1836 में टेलीग्राफ आया, किसके द्वारा बनाया गया टेलीग्राफ, कुक और व्हीटस्टोन के द्वारा टेलीग्राफ का इजाद किया गया, टेलीग्राफ यानी कि कह लीजिए कि इन्वेंशन किया गया, जिसे इंग्लिश में कह देते हैं, क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया, आविष्कार किया गया, किसके द्वारा, कुक और व्हीटस्टोन के द्वारा। ये नहीं पूछा कि इसका आविष्कार किसने किया, ये नहीं पूछा आविष्कार किसने किया, ये पूछा कि सबसे पहला जो बातचीत का माध्यम था इलेक्ट्रॉनिकली कह लीजिए, वो क्या था, वो टेलीग्राफ था। क्या था, टेलीग्राफ था। सर टोपोलॉजी का टॉपिक नेटवर्क में ही आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा भाई आदि वर्मा, टोपोलॉजी का टॉपिक नेटवर्क में आएगा। सर मेरा कंप्यूटर वीक है, हर बार इसकी वजह से ही रह जाता, अब की बार नहीं जी, कोशिश करेंगे अरुण भाई। 1836 क्लियर है बात, 1876 पे आ जाओ। टेलीफोन बाय अलेक्जेंडर ग्राम बेल, ग्राम बेल ने किस चीज का आविष्कार कर दिया, 1876 आते आते टेलीफोन का आविष्कार हो गया, पहले टेलीग्राफ से बात होती थी फिर टेलीफोन आ गया भाई। हाँ बायोलॉजी, ये सभी इंटरकनेक्टेड है भाई, सारे के सारे जितने भी इनके नाम आएंगे साइंटिस्ट के, फिजिक्स वालों के आएंगे, मैथ वालों के आएंगे, फिजिक्स और मैथ के बिना तो कंप्यूटर है ही नहीं, कंप्यूटर अकेला सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मैथ के बिना, बायोलॉजी के, सॉरी बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स के बिना। हाँ देखो नेक्स्ट, 1962 1968 में क्या हुआ, फिर इतने गैप के बाद पैकेट स्विचिंग नेटवर्क डेवलप हो गया भाई, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क डेवलप हो गया 1962 से लेकर 1968 के बीच में, ठीक है ना। यानी कि यहां इजाद हुआ कि जो मैसेज है उसको डिवाइड किया जाए छोटे छोटे पैकेट में, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क आ गया, यानी कि पैक छोटे छोटे पैकेटों में विभाजित किया गया, क्या विभाजित किया गया, मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के भेजना, भेजने की तैयारी की गई, क्लियर है बात। 1836 में टेलीग्राफ, 1876 में टेलीफोन, 1962 और 1968 में क्या आया, पैकेट बटना शुरू हो गए, यानी कि मैसेज को पैकेट में डिवाइड करने का इन्वेंशन हो चुका था, क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट देखो 1969, 1969 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1969 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अर्पानेट आ गया, अर्पानेट, अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, नेट की फुल फॉर्म वही है नेटवर्क, कमीशन बाई डीओडी, डीओडी की फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी की फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस का डिपार्टमेंट था, फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए इनटू नेटवर्किंग, फर्स्ट मैसेज वॉज सेंट, पहला मैसेज भेजा गया, ध्यान रखना कब भेजा गया, 1969 जी, राम राम भाई, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जी, 1969 इसलिए कहा गया, सबसे पहला जो इंटरनेट है वो कब शुरू हुआ, 1969 में, किसके द्वारा शुरू किया गया, अर्पानेट के द्वारा शुरू किया गया, अर्पानेट क्या है, एक प्रोजेक्ट एजेंसी है, किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका की है, सीमा सहारण जी धन्यवाद। तो क्या हुआ, पहला मैसेज भेजा गया, पहला मैसेज, ठीक है ना, पहला मैसेज भेजा गया, वो नोड क्या थे, नोड यानी कि दो कंप्यूटर,
यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया, वो दो कंप्यूटर कौन से कहां से कहां भेजा गया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलस से भेजा गया स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, SRI में, या ये कह लीजिए कि मैंने नोड लिखे हैं दो, इन नोड में आपस में मैसेज भेजा गया था। ये जरूरी नहीं है कि पहले नोड से दूसरे नोड पे भेजा गया हो या दूसरे नोड से पहले नोड पे भेजा गया हो। ये दो नोड थे, चार थे, हालांकि बेसिकली चार थे, जो मैं लिख रहा हूं वो दो लिख रहा हूं। दो नोडों की आपस में बातचीत करवाई गई कब? 1969 में। किसके द्वारा? अर्पानेट के द्वारा। अर्पानेट कहां की एजेंसी है? यूएससी की एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एजेंसी है। यानी कि सबसे पहले डिफेंस के लिए ये चीज शुरू की गई थी। क्या चीज? इंटरनेट, जिसका शुरुआती शुरुआती नाम क्या है? अर्पानेट। जिसका शुरुआती नाम क्या है? अर्पानेट। नेक्स्ट आ जाओ। यही चीज दोबारा से फिर लिखी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1960 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाज कनेक्टेड टू डिफरेंट एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने अभी कहा कि डिफरेंट डिफरेंट पे कनेक्ट किए गए थे। लोकेशंस बाय अर्पानेट, अर्पानेट के द्वारा। अर्पानेट क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1960 के दशक की बात है ये, 1960 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1960 में ही, 1960 के दशक में, इन 1960s, 1960 के दशक की बात कर रहा है ये, 1960 के दशक की, ना कि 1960। कभी आप अभी इसको 1960 नोट करके बोलो सर वो तो 1969 में लिखवा दिया, ये 1960 में कैसे हुआ? ठीक है ना, ये दशक की बात है। क्लियर है बात? अभी नेक्स्ट आ जाओ। 1969 के बाद 1971, 1971 में क्या हुआ? 1971 के अंदर रे टॉमिलसन एक व्यक्ति आया जिसने ईमेल का इजाद किया। ईमेल का इजाद किया किस चीज के लिए? टू सेंड मैसेजेस। हाँ, ये दशक की बात की थी रित भाई। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, अभी मैंने क्लियर कर दिया ये आई थिंक, ठीक है ना। रे टॉमिलसन ने किसका आविष्कार किया? ईमेल का, ठीक है ना। ईमेल का आविष्कार पूछेगा कब हुआ? 1971 में। किसने किया? रॉय टॉमिलसन ने, रे टॉमिलसन ने, ठीक है ना। ठीक है, 1974 भाई। 1974 में क्या हुआ? पैकेट बिकम्स मोड ऑफ ट्रांसफर। ये पैकेट जो उस टाइम बने थे असल में यूज होने शुरू हो गए यहां पे, ठीक है ना, असल में यूज होने शुरू हो गए 1974 के अंदर। हाँ भाई, मैं जानता था, मैं जानता हूं लगभग हर स्टूडेंट्स का कि क्या क्वेश्चन आगे हो सकता है। आई ऑलमोस्ट नो वट यू कैन आस्क, ठीक है ना, तो डोंट वरी, मैं सारी चीजें आपकी ध्यान रखता हूं। तो 1971 और 1974, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में ही। 1982, 1982, 1982 में क्या आया? TCP/IP। 1982 में क्या आया? TCP/IP। 1983, 1983 में क्या आया? DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है DNS, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म है, और डोमेन नेम सिस्टम जिसकी फुल फॉर्म है, 1983 में आया। और 1989, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1989 बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन में कि WWW कंसेप्ट है जो, वो किसने दिया? टिम बर्नर ली ने दिया। कब दिया? 1989 में दिया। 1982, 1983, 1989। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी तक समझ में आ रहा है सभी को? अभी तक क्लियर है सभी को सभी चीजें? फिर से बता दूं, जो बीच में जो पहली बार जुड़े हैं, 22 क्लासें हो चुकी हैं, 23वीं क्लास है, और ये अब जो क्लासें होंगी वो बड़ी ही डिफरेंट तरीके से होंगी, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटा कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर सिक्योरिटी में पढ़ेंगे, दो तीन चीज़ें जो पढ़ेंगे वो बड़े ही अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, 1989। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। 1990, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1990, ये एनसीआरटी कहती है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट सर्च इंजन आर्की। धन्यवाद भाई वर्मा फिल्म्स। आर्की क्या है? फर्स्ट सर्च इंजन।
फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? अर्की, जैसे अभी गूगल है, ठीक है ना। बात करेंगे वो भी, सर्च इंजन क्या होते हैं वो भी बात करेंगे हम, इंटरनेट पे आऊंगा जब वो भी बातें करेंगे, फिलहाल तो नेटवर्क हम पढ़ रहे हैं। 1992, ये 1990 था, 1992 में टर्म आ गई, कौन सी आ गई? सर्फिंग, सर्फिंग द इंटरनेट। सर्फिंग इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च करना क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। और वो सर्फिंग द इंटरनेट किसने उछाली वो टर्म, यानी कि किसने निकाली वो टर्म का नाम था वो किसने दिया? वो टर्म का नाम जो था आर्मर पोली ने दिया, आर्मर पोली ने दिया इसका नाम, आर्की सर्च इंजन। बिल्कुल सही है भाई। 1993, 1993 मोसेक वेब ब्राउजर आ गया भाई, फर्स्ट वेब ब्राउजर, मोसेक वेब ब्राउजर, फर्स्ट वेब ब्राउजर क्या नाम है? मोसेक। और ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछा भी जा चुका है 2016 में क्लर्क के एग्जाम में, 2016 में, अभी नहीं, 2016 जो पीछे एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा जा चुका है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, मोसेक वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। कभी आप ये सोचो कि सर वेब ब्राउजर क्या होता है ये तो बताया नहीं, वेब ब्राउजर क्या होते हैं ये चीज़ें भी हम पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, जस्ट अ मिनट। फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई, फर्स्ट वर्जन, पहला वर्जन जो है वाईफाई का वो आया 1997 में, 1997 में, और वो उसका नाम दिया गया 802.11, 802.11 वाईफाई का नाम है ये वाईफाई का नाम। ये नाम क्यों दिया गया वाईफाई का ये भी मैं बताने वाला हूं, इसे अगली क्लास में, हो सकता है इसी क्लास में आ जाइए, ठीक है ना। 1997 के अंदर फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई वाज इंट्रोड्यूस्ड, 1997 पहला वर्जन आया जिसका नाम रखा गया 802.11, यानी कि अगर कहीं 802.11 आता है इसका मतलब वाईफाई का जिक्र कर रहा है। आगे आ जाओ, कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये तो आप सभी को पता ही है, आई थिंक अच्छे तरीके से जानते हो समझते हो इनको, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड एंड डेटा ट्रांसफर रेट, कंप्यूटर नेटवर्क आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड, पैन, लैन, मैन, वैन, सभी को पता आई थिंक, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इनको तो आपने रट रखा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी किताबों में होता है, जो इससे पहले का डाटा था वो किसी किताब में नहीं, वो एनसीईआरटी में, आधा एनसीईआरटी में, लेकिन आधा जो डेटा है वो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला, नेट पे भी नहीं मिलने वाला, वो आईआईटी मुंबई का डेटा है जो मैंने आपको बताया है, आईआईटी मुंबई का डेटा है, जो नेटवर्क के पार्ट का डेटा है जो मैंने आपको करवाया है। क्लियर बात आई थिंक। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं, पैन नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, सुना सुना है सहेजियो ये तो, हाँ सुना सुना सा। पैन नेटवर्क, पैन नेटवर्क क्या होता है? इट इज स्मॉल नेटवर्क फॉर्मड बाय कनेक्टिंग ए फ्यू पर्सनल डिवाइस, पर्सनल डिवाइस आपस में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो, यानी कि मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट कर लो, तो ये सारी चीजें अजीत यादव बताएंगे फुल फॉर्म भी। ये पैन अभी पर्सनल एरिया नेटवर्क है, क्या है ये? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, जिसमें आगे आपके कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, मोबाइल अटैच करना आ गया, फोन, रेंज होती है इसकी 10 मीटर तक, 10 मीटर तक रेंज होती है। हम कई बार कनेक्ट कर लेते हैं ब्लूटूथ आपस में मोबाइल में, थोड़ा दूर चले जाओ तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, 10 मीटर तक की इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट देखो, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, इट इज नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, मोबाइल फोन को कनेक्ट करता है, टैबलेट को कनेक्ट करता है, या माउस को, प्रिंटर को कनेक्ट करता है, लिमिटेड डिस्टेंस में, इट कैन रेंज फ्रॉम रूम, एक कमरे में हो सकता है, एक फ्लोर पे हो सकता है, एक ऑफिस में हो सकता है, एक स्कूल में हो सकता है, अप टू 1 किलोमीटर, इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 1 किलोमीटर तक है। परमानेंट अकाउंट नंबर भी तो हुए हैं क्या? परमानेंट अकाउंट नंबर क्या करे हो? परमानेंट वो पैन अलग है, वो पैन अलग है, ठीक है बात।
थ्रो वायर्स तार के तार से जोड़ सकते हो या अथरनेट केबल से जोड़ सकते हो। अथरनेट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, केबल अथरनेट केबल क्या होती है ये भी पढ़ेंगे, वाईफाई क्या होता है ये भी पढ़ने वाले हैं। स्पीड उसकी जो हो सकती है वो 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक होती है अथरनेट की। अथरनेट इज सेट ऑफ रूल, अथरनेट इज सेट ऑफ रूल, जिसको आप प्रोटोकॉल कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो प्रोटोकॉल कहते हो। मास्टर जी कंप्यूटर का आधुनिक युग का मास्टर हो आप आशीष संडील, आधुनिक युग के मास्टर तो कहाँ हैं जी, बस कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, अगर समझ आ जाए तो अच्छे तरीके से, जिस तरीके से HSSC पूछती है अपनी कोशिश है वो सभी चीज़ें आपको करवाने की, ठीक है ना। बाकी आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, हमें ही बड़ी खुशी होती है, मोटिवेट होते हैं, आप जो फील करते हो वो बताया करो जी। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, ये था लैन, लैन का एरिया कितना है 1 किलोमीटर का है, स्पीड कितनी है 100 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक है, ये कह सकते हैं कि 10 GBps तक की भी स्पीड है इसकी, 10 GBps तक की भी, ठीक है ना। लैन देखो, लैन में इस तरीके से हो सकता है नेटवर्क कनेक्ट, यानी कि एक कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर का जो CPU रखा है इसी से सारी चीज़ें क्या हो जाएं, एक हब लगा के सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी जाएं, और जब एक CPU से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी जाएंगी उस CPU को सर्वर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा सर्वर कहा जाएगा, और जो बाकी जुड़े उनको क्या कहा जाएगा वर्क स्टेशन कहा जाएगा। अंजू जांगड़ा ऑल क्लासेज आर रियली अमेजिंग सर, थैंक यू थैंक्स अलॉट, फादर ऑफ HSSC कंप्यूटर है भाई। हाँ रोहन देसवाल आपका ही कमेंट था आई थिंक ये जी 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 देखो नेक्स्ट भाई, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म क्या है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क ये लैन का बड़ा भाई है, ये लैन का बड़ा भाई है, लैन जो था वो पैन का बड़ा भाई था, कौन से वाले को दोबारा बताएं भाई, लैन को, लैन का एरिया जो है 1 किलोमीटर है, स्पीड जो है 100 Mbps टू 1000 Mbps है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और उसमें थोड़े समय थोड़ा एरिया के कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, हो सकता है एक रूम में, हो सकता है एक ऑफिस में, एक स्कूल में, ठीक है ना। हाँ इसका 30 से 40 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर कह सकते हो, कोई खास बात नहीं है। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन, लैन का बड़ा भाई है, विच कवर्स लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि लैन के बजाय बड़ा एरिया कवर करता है, बिचला भाई है सर, बिचला नहीं, अभी तो एक बड़ा भाई और आएगा इनका, ठीक है ना। अब बीच वाला भी कह सकते हैं, मतलब सबसे बड़े से छोटा भाई है जो। मैन क्या होता है, यानी कि एक लैन ये हो सकती है, एक लैन ये हो सकती है, एक लैन ये, एक लैन ये, इन सभी लैनों को कनेक्ट करने के लिए क्या हो गया मैन हो गया, क्या हो गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कोई खास बात नहीं है, 10 एग्जैक्ट मत याद रखा करो आप ये चीजें, कोई खास बात नहीं है, 10 से 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, 1 किलोमीटर तक एग्जैक्ट नहीं है लेन, कह सकते हैं 1 किलोमीटर तक, ठीक है ना। इनमें इनमें काउंटिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी आपको ये नहीं पूछेगा कि कितने किलोमीटर तक, अप्रोक्सीमेट हो सकता है इतने किलोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो वैन भाई, वैन कह लीजिए, वान कह लीजिए, ठीक है ना जी, राम राम भाई मैथ स्लोगन, वान भाई वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क भाई, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड अदर लैंस, लैन को कनेक्ट करता है, मैन को कनेक्ट करता है, यानी कि लैन और मैन जो आपस में कनेक्ट थे अब बहुत सारे मैन हो जाएंगे, उनको कनेक्ट करेगा। अमर हुड्डा धन्यवाद भाई। देखो विच स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ ए कंट्री इन ए डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड की जब बात करेंगे तब सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट भाई, वन यानी कि लैन से मैन है, लैन सभी लैंस के कौन कनेक्ट है मैन, और बहुत सारे मैन जब इकट्ठे हो जाएंगे उनको कनेक्ट करने वाला कौन हो जाएगा वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। तीरथ शर्मा मैंने आपके कमेंट जो है दूसरे चैनल पे भी कुछ ऐसे ही कमेंट देखे थे, और आप जो है थोड़ा सा कंट्रोल किया करो अपने हाथों पर तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वी रिक्वायर नेक्स्ट भाई, नेटवर्क उपकरण, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस,
वी रिक्वायर डिफरेंट डिवाइस टू कम्युनिकेट, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेज चाहिए अपने को क्या करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना, कम्युनिकेट करने के लिए। ये डिवाइसेज कौन सी है, इन डिवाइसेज के बारे में पढ़ेंगे। ये डिवाइसेज कौन सी है, मॉडम है, हब है, स्विच है, रिपीटर है, राउटर है, गेटवे है, ये डिवाइसेज हैं जो कम्युनिकेशन का माध्यम बनेंगी। वी रिक्वायर डिफरेंट डिवाइसेज टू कम्युनिकेट, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज हैं जो बातचीत करने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है। जी धन्यवाद मनजीत। हाँ जी हाँ जी, दूसरे जो भी इंटरनेट पे जो भी यूट्यूब चैनल आप देखते हो उन सभी पे मैं आपकी एक्टिविटी देखता रहता हूँ। जी नमस्ते भाई मोनिका कैंथ, सभी पे आपकी सभी की एक्टिविटी मैं देखता रहता हूँ कि आपके कैसे कमेंट आते हैं। जी सर जी, सेट के लिए भी यूजफुल क्लास है ना, हाँ सभी के लिए है भाई। सोनू भैया गुड इवनिंग भाई। देखो मॉडम पढ़ेंगे, वो पूछ रहे थे, कौन पूछ रहे थे मॉडम सर, मॉडम क्या है, तो मॉडम पढ़ेंगे, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है ना। हाँ धमकाते नहीं है भाई, और हो सकता है धमकाना ही पड़ जाए भाई, ठीक है ना। देखो मॉडम, देखो मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्सेशन बिटवीन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल बिट। एनालॉग सिग्नल से और डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी अपने को, मॉडम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि तार के माध्यम से जो सिग्नल आता है वो कैसा सिग्नल आता है, एनालॉग सिग्नल आता है। जब उसको कंप्यूटर में कन्वर्ट होना होता है तो क्या होता है, वो डिजिटल बन जाता है। जब कंप्यूटर में चीज़ें होती है, सिग्नल होता है, वो डिजिटल में होता है, लेकिन जब तार के माध्यम से चला जाएगा फिर वो सिग्नल हो जाएगी, यानी कि एनालॉग हो जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नहीं नहीं यानी कि सर की नहीं थी, बाकी बात में बाद में करेंगे बातें। एक बार तीर्थ एक बार ये पढ़ लेते हैं मॉडम, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। देखो मॉडम का समझ में आया होगा आई थिंक आपको, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी अपने को, मॉडम की जरूरत पड़ी। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में। सपोज करो एक कंप्यूटर अपना यहाँ पर है, एक कंप्यूटर अपना यहाँ पर है, लेकिन ये तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस तार में सिग्नल जो आएगा वो एनालॉग सिग्नल होगा, और एनालॉग सिग्नल को यहाँ डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ लगी होगी जिसका नाम है मॉडम, और यहाँ भी एक चीज़ लगी होगी जिसका नाम है मॉडम, जो आपकी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, या फिर कंप्यूटर से जब भेजेंगे तब डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है उस साइड, तो फिर इस साइड जो है डिजिटल एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, उल्टा कन्वर्जन है दोनों साइड, उस साइड एनालॉग टू डिजिटल, इस साइड डिजिटल टू एनालॉग। नेक्स्ट देखो भाई, ये है आपका मॉडेम, ये मॉडेम है जो राउटर का काम भी कर देता है, कई बार राउटर का काम भी इससे हम लेते हैं। जी देखो नेक्स्ट भाई, हब आ गई, नेक्स्ट डिवाइस हब। एन अथरनेट हब जो है इज ए डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइस थ्रू वायर्स। दूसरी कोई भी डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए, वायर से कनेक्ट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हब का। ये सपोज करो ये आपकी हब है, ये यूज की जाती है डिफरेंट डिवाइसेस को तार से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। देखो लिमिटेशन ऑफ हब की लिमिटेशन थी, क्या लिमिटेशन थी, इज दैट इफ डेटा आर सेंट फ्रॉम टू डिवाइसेज, यदि दो डिवाइसों से डेटा, यानी कि इस डिवाइस से और इस डिवाइस से डेटा सेंड किया जाए, यहां से यहां, यहां से यहां, एट द सेम टाइम में दे कैन कोलाइड, वो आपस में भिड़ जाते थे, यानी कि डेटा ही खत्म हो जाता था। रैना देवी ऐप आ चुकी है, थोड़ा सा बहुत डेमो ऐड करनी रहती है, जैसे ही डेमो ऐड हो जाएंगी आपको लिंक जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हब भाई, क्या कहते हैं इसे, हब। हब की जगह आज किसने ले ली, कमेंट करके बताओ भाई। आज हब बहुत कम यूज करते हैं, हम यूज ही नहीं करते, हम और चीज़ यूज करते हैं, दूसरी डिवाइस यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, और हब क्यों नहीं यूज करते। ये तो शायद मैंने अभी बता ही दिया कि एट द सेम टाइम जब दो डिवाइस से डेटा भेजा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड का मतलब भिड़ जाना, यानी कि आपस में वो टकरा जाएगा, डेटा ना उस साइड जाएगा ना उस साइड जाएगा, सिग्नल लॉस हो जाएगा। जी राम राम भाई छोटा भीम, सिग्नल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी जो हब जो है ये इस प्रकार की होती है आपकी, जिसमें
वायर से एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, पांचवा कंप्यूटर, छठा कंप्यूटर, इस तरीके से हम जो है कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस इससे कनेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट भाई, हब के बाद स्विचेज। आज हब की जगह किसने ले ली है? स्विच ने ले ली है। किसने ले ली है हब की जगह? स्विच ने ले ली है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हब को रिप्लेस कर दिया है आज किसने? स्विच ने रिप्लेस कर दिया है। क्यों रिप्लेस कर दिया वो पढ़ने वाले हैं। अ स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, ये भी एक डिवाइस है नेटवर्किंग की, दैट प्ले सेंट्रल रोल इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इट कनेक्ट्स कंप्यूटर लाइक हब, ये कंप्यूटर को कनेक्ट करती है जैसे हब कनेक्ट करती थी, वैसे ही कनेक्ट करती है जैसे हब कनेक्ट करती थी, कनेक्ट ये भी वैसे ही करती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? इट एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द पैकेट एंड लुक्स इट अप टू द टेबल टू सी वेयर इज सेंड डेटा, वेयर टू सेंड डेटा। यानी कि इसको पता होता है, हब हब में क्या था, हब में सारी जगह कंप्यूटर जोड़ दिए, जैसे ही डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, हब को नहीं पता कि डेटा कहाँ भेजना है। हब तो सभी कंप्यूटर में डेटा भेज देता, जिसका डेटा होगा वो ले लेता, लेकिन ये स्विच जो है स्मार्ट आ गया, इसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है जो एड्रेस पहचानने की कैपेबिलिटी है। ये पैकेट को खोलता है, देखता है किसके पास एड्रेस भेजना है, किसके पास डेटा भेजना है, और उसी कंप्यूटर के पास डेटा भेज देता है। ये कौन है? स्विच है। ये कौन है? स्विच है। इसीलिए आजकल हब की जरूरत नहीं पड़ी। किस चीज़ की जरूरत पड़ी? स्विच की जरूरत पड़ी। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क में केंद्रीय भूमिका यानी कि सेंट्रल भूमिका निभाता। भाई कंप्यूटर को हब की तरह जोड़ता है, जैसे हब जोड़ती थी वैसे ही जोड़ता है। यह पैकेट से गंतव्य यानी कि जो रिसीवर है उसका एड्रेस पता कर लेता है। जी गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, पता कर लेता है और इस तालिका में देखता है कि पैकेट कहाँ भेजना है, यानी कि इसके पास टेबल है, जितने भी कंप्यूटर इससे कनेक्ट हैं उन सभी की इसकी इसके पास टेबल है। जैसे ही कोई भी एक कंप्यूटर इसके पास डेटा भेजता है, ये पैकेट में देख लेता है कि कहाँ भेजना है, इसका डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि उस पैकेट के साथ डेस्टिनेशन भी आता है, यानी कि जहाँ वो भेजना है वो भी लिखा आता है कि इसके पास भेजना है एड्रेस, तो वो एड्रेस देख लेता है, स्विच देख लेता है एड्रेस और मैच कर लेता है कि कौन सी लिस्ट में है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, वहीं पे फ्लोट कर देता है मैसेज को, वहीं पे मैसेज को भेज देता है जिसके पास वो मैसेज भेजना होता है। तो इसे कहते हैं स्विच। भाई हब और स्विच का अच्छे तरीके से फर्क आई थिंक पता चल गया होगा सभी को, हब और स्विच में जो है डिफरेंस क्या है। हब को पता नहीं होता कि एड्रेस कहाँ है, हब तो सभी कंप्यूटरों के पास भेज देता है कि जिसका भी है पकड़ लो, मैसेज जिसका हो अपने आप पकड़ लेना, लेकिन स्विच को पता है, स्विच जानता है सभी को, स्विच एक एक यानी कि स्विच को पता है कि ये मैसेज किसके लिए आया है, उसी के घर जाता है। जैसे डाकिया, एक तो डाकिया नया नया आया हो, नई ज्वाइनिंग हुई हो, उसको यही ना पता हो कि ये चिट्ठी किसके घर जानी है, तो वो हर किसी के घर जाता है, पूछता है ये आपकी है क्या, ये आपकी है क्या, ये आपकी है क्या, वो तरीका सही नहीं था। स्विच आया यानी कि पुराने वाला डाकिया जो आया, यानी कि सभी को जानता है, सभी की लिस्ट उसके पास है, फोन नंबर उसके पास है, अब जैसे ही कोई नई चिट्ठी आएगी उसको पता है ये चिट्ठी किसकी है। ठीक है ना जी। गुड इवनिंग मेरी, गुड इवनिंग, क्लियर है अभी तो आई थिंक स्विच के बारे में। ये स्विच डिवाइस है आपकी, सॉरी ये आपकी स्विच डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? स्विच डिवाइस है जी। गुड इवनिंग भाई, नेक्स्ट देखो भाई, राउटर, रूटर जिसे हम कह देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूटर, रूटर भी कह देते हैं, राउटर भी कह देते हैं। इसका क्वेश्चन आ चुका है भाई, क्वेश्चन आ चुका है एचएससी के अंदर। इसका क्या क्वेश्चन आ चुका है वो अभी आपके सामने आ जाएगा। और इसका क्वेश्चन जहां भी क्लर्क का एग्जाम होता है, हर क्लर्क के एग्जाम में राउटर का क्वेश्चन आ जाता है, जहां पर कंप्यूटर आता है वहां पर आ जाता है। देखो, इट इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जैसे हमने हब पढ़ा, स्विच पढ़ा। ये डेटा को रिसीव करती है, एनालाइज करती है, बड़ी इंटेलिजेंट है तो एनालाइज करती है, एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर करती है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दूसरे नेटवर्क पे डेटा को सेंड करती है? राउटर है। कौन सी है? राउटर है। राउटर कैन बी वायर्ड, ये वायर्ड यानी कि तार से जुड़ा भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस राउटर कैन प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू स्मार्टफोन, स्मार्टफोन को जो एक्सेस प्रोवाइड करता है वो राउटर है। एंड अदर डिवाइस, इट इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, ये क्या है? एक आपकी इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको रूट का पता है, इसको पता है नेटवर्क कौन से नेटवर्क पे आपका डेटा जो है सेंड करना है। हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में भी आप इसको कर सकते हो। क्लियर है बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। राउटर इस प्रकार का, जो मॉडम मैंने आपको बताया था कि मॉडम भी आपका क्या है,
राउटर की तरह वर्क कर सकता है, जो आपका मॉडेम होता है वो भी। नेक्स्ट देखिए, राउटर के बारे में, राउटर में एडवांस कैपेबिलिटी है किस चीज की? इट कैन एनालाइज द डेटा, ये वही आ गया आई थिंक, एंड सेंड इट अनदर नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क पे। ये इंपॉर्टेंट बात है, शायद इसलिए रिपीट की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हब और स्विच भी करते हैं? नहीं, हब और स्विच दूसरे नेटवर्क पे नहीं करते, दूसरे कंप्यूटर पे करते हैं। वो छोटे एरिया के लिए है, ये रूट बताने के लिए है, ये ऊपर की डिवाइस है, वो नीचे की डिवाइसेज है। अजय या अजीत यादव, वो नीचे की डिवाइसेज हैं जो आपकी फिजिकल लेयर पे काम करेंगी, जो आपकी डेटा लिंक लेयर पे वर्क करेंगी। ये ऊपर की डिवाइस है जो नेटवर्क लेयर पे वर्क करेगी। जब हम एडवांस में पढ़ेंगे लेयर, तब ये आपको और भी पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइस वर्क करती है, ठीक है ना जी। नेक्स्ट देखो, गेटवे। भाई गेटवे क्या है? यानी कि एक गेट है जिससे दूसरे नेटवर्क या डिफरेंट टाइप के नेटवर्क में जाया जा सकता है। देखो, गेटवे एक नेटवर्क प्रवेश या निकास दीवार कह देते हैं, प्रवेश दीवार है, निकास दीवार है। सर्वर एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है किस चीज का? एक नेटवर्क का। एक नेटवर्क से बाहर निकलना है और एक नेटवर्क के अंदर जाना है, तो उसका पॉइंट कौन है? गेटवे है। कौन है? एक डिवाइस है जिसका नाम है गेटवे। इफ ए नोड फ्रॉम वन नेटवर्क वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद ए नोड टू द फॉरन नेटवर्क, दूसरे फॉरन नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहता है एक नोड, इट विल पास द डेटा पैकेट टू द गेटवे। ये गेटवे से डेटा पैकेट पास करेगा, ठीक है ना। जैसे आपका पेमेंट गेटवे होता है, एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं आपको, जैसे आपका पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का क्या मतलब है? जैसे आप HSSC का फॉर्म भर रहे हो, HSSC का, जैसे आप फॉर्म भर रहे हो, उस HSSC का फॉर्म भरते भरते आप जब अपने फीस कटवाते हो, फीस कटवाने के लिए आपको दूसरे नेटवर्क पे जाना है। दूसरे नेटवर्क पे जाने का क्या मतलब है? आपने जो है फीस कटवानी है ICICI बैंक से, तो वो नेटवर्क ही चेंज हो गया। हाँ, तो हम HSSC से कनेक्ट हैं, हम ICICI से कनेक्ट होंगे, और जब वो गेटवे, वो जो हम उस पर स्विच करेंगे, वो कहलाएगा पेमेंट गेटवे। क्या कहलाएगा? आपका पेमेंट गेटवे, यानी कि उस गेटवे पर हम जाएंगे। ए राउटर ऑल्सो कैन बी कन्फिगर्ड टू एज ए गेटवे, राउटर भी एक गेटवे की तरह वर्क कर सकता है, ध्यान रखना। मॉडम राउटर दोनों गेटवे की तरह वर्क कर सकते हैं। गेटवे कैन बी इंप्लीमेंटेड कंप्लीटली इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड कम्बिनेशन ऑफ बोथ। गेटवे है जो दोनों तरीके से, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में, और दोनों कम्बिनेशन के रूप में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? हब, स्विच, राउटर, गेटवे, जो रिपीटर होगा वो पढ़ेंगे, रिपीटर होगा वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिपीटर वगैरह जी। हेलो, देखो नेक्स्ट भाई, ये गेटवे का मैप है। गेटवे जो है इस तरीके से वर्क करता है। ये सर्वर है, एक सर्वर ये है, ये दूसरा सर्वर है, और ये अपने स्विचेज हैं जिनसे PC जुड़े हुए हैं, स्विचेज हैं, और बीच में जो है गेटवे का नेटवर्क है जी। धन्यवाद। नेक्स्ट देखो, MCQ आ गए, क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। MCQ आ चुके हैं, आंसर करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3, 3 से 4 आंसर क्वेश्चन करेंगे। बी क्या आंसर आएगा भाई? तीर्थ बी, अमर हुड्डा बी, मोनिका बी, बी बी। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? आर्पानेट। ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको बताया भी था। बिल्कुल सही आंसर है 1969, बिल्कुल सही। ए क्यों कह रहे हो वैशाली, ए क्यों कह रहे हो? आप लेट ज्वाइन हुए हो। मैं आपको बता दूं कि 22 क्लासें हो चुकी हैं, 23वीं क्लास चल रही है। बी 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 इज द राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, आर्पानेट 1969, बिल्कुल सही आंसर है बी। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ हब? हब के बाद कौन आया? हब के बाद कौन आया, यानी कि हब अब यूज नहीं होती। स्विचेज, स्विच, डी डी। क्या बस आई थी, क्या राउटर आए थे, क्या मॉडम आया था, क्या स्विचेज आई थी? डी।
डी 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 डी, सभी का आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। आपको मिलते हैं 1,25,000 रुपये। राइट आंसर बिल्कुल सही है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डैश इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस टू और फ्रॉम एंड प्राइवेट नेटवर्क। पेमेंट कैसे करोगे जी? पेमेंट ये लो, 1,25,000 रुपये आपको मिल गए, ठीक है ना? गूगल पे कर देना सर। बिल्कुल सही बात है। फायरवॉल, अंजू जांगड़ा, बिल्कुल सही है, फायरवॉल इज द राइट आंसर। देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आया, हालांकि आपने क्लास में नहीं किया है, लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी की जब हम बात करेंगे और अनऑथोराइज एक्सेस से बात करेंगे तो फायरवॉल की बात करेंगे। किस चीज़ की बात करेंगे? फायरवॉल की बात करेंगे। 1,00,000 आप रख लो, 25 भेज दो। बिल्कुल भेज देंगे, भेज देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे 15-15 लाख आए हैं, वैसे 1,25,000 भी आ जाएंगे, क्यों चिंता करते हो? चूज द नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ आने दो, आने दो, आंसर आने दो। ए ए ए डी नहीं, तेरे तो ऐसी कोई बात नहीं है। वन 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 डी। देखो हाँ, डिफरेंट नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड की जब बात आ जाएगी तो किसकी बात करेंगे? वन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वन की बात करेंगे। वन ही इंटरनेट है वैसे देखा जाए तो, वन ही तो इंटरनेट है, लेकिन वन आएगा, ठीक है ना? सारे रख लो जी। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट एमसीक्यू, डैश इज यूज टू कनेक्ट नोड इन नेटवर्क। खालिस्तान का उपयोग नेटवर्क में नोड को जोड़ने के लिए किया गया है, किसका? डब्ल्यू वर्ल्ड, गलत, हब। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये मैं कह सकता हूं, ये क्वेश्चन देखो एचएसएससी का क्वेश्चन है, ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, एचएसएससी का क्वेश्चन है ना? डेंजरस क्वेश्चन है ना, डेंजरस क्वेश्चन है। क्यों क्यों है डेंजरस क्वेश्चन? क्योंकि इसमें देखा जाओ तो राउटर भी सही बात है, हब भी सही बात है, यूज किया जाता है, ठीक है ना? इसमें देखा जाए तो स्विच भी बिल्कुल सही बात है, किया जाता है। तो एचएसएससी ऐसे ही ऑप्शन दे देता है जहां पे तीन तीन ऑप्शन सही लग रहे हो। राउटर आएगा सर, सॉरी मैं कहता हूं इसमें क्या आएगा, स्विच आएगा। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। डी 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 मोनिका, डी नॉट ए और डी। हो सकते थे, गलत नहीं कह सकते, इसको भी गलत नहीं कह सकते, इसको भी गलत नहीं कह सकते, हब को भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन हब की जगह आज किसने ले ली है? स्विच ने ले ली है। और कनेक्ट करने की, नोड को कनेक्ट करने की बात आई है तो राउटर से पहले कौन आता है? स्विच आता है, तो स्विच ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्विच ही लगाएंगे। राउटर से पहले कौन आता है? स्विच आता है। और स्विच को रिप्लेस, स्विच ने किसको रिप्लेस किया? हब को रिप्लेस किया है, तो स्विच इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है ना? डी इज राइट आंसर, स्विच इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट भाई, ये लास्ट था भाई, ये लास्ट था आपका, ठीक है ना? अब रख लो आपके कमेंट, आने दो कमेंट, 2 मिनट आपके कमेंट जो हैं, जो डाउट हैं आपके वो आने दो। सर आपने कहा था नेटवर्क के लिए भी राउटर होगा। हाँ नेटवर्क के लिए भी राउटर होता भाई, लेकिन राउटर अपर लेवल की डिवाइस है, मैंने आपको पहले ही बताया था, राउटर अपर लेवल की डिवाइस है। मुझे कहा क्लास हो चुकी है आज, 1 घंटा हो चुका भाई। हाँ फिजिकल के लिए स्विच होगा, बिल्कुल सही है रोहन, रोहन बिल्कुल सही है, फिजिकल के लिए स्विच होगा, कनेक्ट करने की बात की है, लेकिन स्विच तो होगा ही होगा। ज़्यादा रखा करो क्वेश्चन, क्वेश्चन अगले हफ्ते जो है एक एमसीक्यू की मैराथन क्लास होगी, मैंने ग्रुप में डाला था सभी को, टाइम पूछा था सभी से, टाइम का सजेशन मांगा था। अगले हफ्ते बेसिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 क्लासें और हैं, तो बेसिक कंप्लीट होते ही नेक्स्ट डे आपकी एमसीक्यू की मैराथन क्लास होगी,
उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बता दो। प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसी बुक नहीं है अजीत यादव, अभी ऐसी कोई बुक नहीं है मार्केट में। तो सर ज़्यादा सही राउटर हुआ ना, नहीं राउटर नहीं हुआ, स्विच हुआ रोहन, स्विच हुआ जी। धन्यवाद सभी को। स्विच क्यों हुआ? क्योंकि पहले तो स्विच यूज होगा ना रोहन। वैसे देखा जाए तो मॉडम राउटर का काम करता है, मॉडम भी हुआ, बट स्विच सबसे मेन हुआ, स्विच जो आपस में कनेक्ट करने के काम आता है जी। नाइस क्लास, धन्यवाद भाई। पूजा बताना किस चैनल में देखा था, कौन से चैनल पे आपको नहीं देखा मैंने। मैं आपको सभी चैनलों पे देखता हूँ, मैं आपको सभी चैनलों में देखता हूँ। जिस जिस चैनल पे आप जाके कमेंट करते हो, वीडियो देखते हो, साथ में मैं भी वहाँ देख रहा होता हूँ। मैं देख लेता हूँ वीडियो वगैरह सभी की चैनलों पे, लाइव चल रही होती है जो, तो देखता हूँ मैं आपको सभी को। मान गए जी, आपकी बुक दे दो, हम आ जाएंगे लेने। सर चैनल का नेम बता दो, मेरे ही दोस्त है सारे, और वो चैनल वाले मेरे ही दोस्त है सारे। इसीलिए नहीं बता रहा सर जी। क्लास में ओवर एक्टिंग ज़्यादा करते हैं कुछ बच्चे। अरुण ठाकुर, अरुण होता है, सभी तरह के बच्चे होते हैं, सभी तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में, सोमवार को मिलेंगे। आज वीरवार हो गया, कल क्लास नहीं हो पाएगी, मिलते हैं सोमवार को अगली क्लास में। और नेटवर्क का ही टॉपिक होगा। सर आपकी बुक है क्या? बुक आएगी अपनी, लेकिन कब आएगी ये अभी हिडन है, सीक्रेट है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।